नीति और राजीव कभी नहीं जान पाएंगे कि मैं ही परी हूँ, मैं ही परी हूँ। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है परी, अब मैं तेरी सच्चाई संजू को बताऊंगी और तेरी असलियत सबके सामने लेकर आऊंगी। कल रात 7:20 पर मैं अपने गुनेगारों से बदला लेने आई हूँ। परिणीति सीरियल के आने वाले ट्रैक में हमें काफी एक्साइटिंग ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से इस बार पार्वती की माँ यानी कि अंबिका ने राजीव के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए कि उसने हमारी पार्वती के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इस इल्जाम में इस बार राजीव को जेल हो जाती। और भाई ये बात तो हमारी नीति मैडम से बिल्कुल भी नहीं सही जाती, वही नीति जो अब तक हमारी पार्वती को एक बेहद अच्छी सहेली मानते हुए आई थी, दोनों बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह रह रहे थे, लेकिन अब कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ती हुई दिखाई देती है। जैसे यहाँ पर हमारी नीति को पता चलता है कि भाई हमारी पार्वती मैडम की माताश्री ने राजीव को जेल भेज दिया है, और ये बात तो भाई नीति से बिल्कुल भी नहीं सही जाती और उसका गुस्सा फूट पड़ता है पार्वती पर। और यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि इनकी दोस्ती अब बिल्कुल भी नहीं बची है, क्योंकि यहाँ पर हमारी पार्वती और नीति दोनों के बीच में एक बेहद बड़ी झड़प होते हुए दिखाई देती है। वही आने वाले ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारी पार्वती ने राजीव को बेल दिला दी है। और वही कहानी में दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर राकेश को पता चल जाता है न्यूज से कि यहाँ राजीव ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी पार्वती के साथ, और जैसे ही उसे ये खबर मिलती है उसका गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और कहता है कि राजीव की हिम्मत कैसे हुई मेरी परी को हाथ लगाने की, आज तो मैं इसका खिस्सा खत्म करके ही रहूंगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से राकेश जो है वो गुस्से में आकर अपनी गन को लेकर पहुंचने वाला है राजीव के घर पर उसका खात्मा करने के लिए। तो वही कहानी में दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर राजीव जो है वो पहुंच चुका है हमारी पार्वती के घर पर उससे सारे सवालों का जवाब मांगने के लिए और उससे ये बताने के लिए कि जो भी एलिगेशंस उसने उस पर लगाए हैं वो बिल्कुल फेक है। मतलब ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या राकेश अपने मकसद में कामयाब होगा और किस तरीके से हमारी राजीव और पार्वती का रिश्ता खत्म होगा।